अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। के नहा के तैयार शहर होके नाश्ता कर लिया था, लेकिन ऐसी साथ साथ थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं चिप्स बनाता हूँ और खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, साथ साथ आपको दिखाता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और सही बनाए हैं कि नहीं। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है, लेकिन जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, भाई को सपोर्ट करें, चैनल को ग्रो कराने में भाई की हेल्प करें और इसी तरह देखते रहें मेरा चैनल। अभी आगे जो जो होता रहता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ, साथ बने रहें। यार आज मैंने सोचा कि ये जो एयर फ्रायर है ना, इसका आज से ही इस्तेमाल करते हैं, आज इसमें चिप्स बनाते हैं। ये अभी नया है, इसकी जो है अनबॉक्सिंग भी करता हूँ, साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि इसमें से क्या क्या निकलता है, क्या क्या इसके साथ आती हैं चीज़ें, और आज हम जो फ्राइज है ना वो इसमें बनाएंगे। इसकी ये जो रस्सियाँ शस्सियाँ, पहले ये खोल लें, उसके बाद इसकी मैं आपको क्वालिटी भी बताता हूँ और कंपनी भी बताता हूँ, ताकि अगर कोई लेना चाह रहा है एयर फ्रायर तो उसको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले निकला है ये मैनुअल, उसके बाद ये, और उसके बाद अंदर ये पड़ा हुआ है एयर फ्रायर। इसको मैं बाहर निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यार इसको पहले मैं निकालता हूँ अंदर से, फिर आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ। आई जी आज आज इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये शीट सी है, बाकी डब्बा खाली है। किस कंपनी का है जी ये? नेशनल कंपनी का एयर फ्रायर है। इसकी क्वालिटी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ और ये हमारा काम कैसा देता है ये भी आपको बताता हूँ। चलिए ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट लुक है, उसके बाद ये ऊपर बटन्स लगे हुए हैं और ये टच है मेरे ख्याल में। उसके बाद ये इसका टाइमर है, इसको तो हम साथ साथ टेस्ट करते ही रहेंगे। सबसे पहला जो काम है ना वो है, अच्छा ये कैसे निकलता है, बस ये देखें, ये इसका वारंटी कार्ड है, ये इसका अंदर जो एक बाउल होता है ये मेरे ख्याल में वो है। इसके अंदर आपने चिप्स काट के इसके अंदर रखने हैं, फिश रखनी है, कुछ भी रखना है वो सब इसके अंदर रखना है और इसको इसके अंदर डाल देना है। फिर इसका टाइमर और टेम्परेचर सेट करके आपकी जो भी चीज़ है वो इसमें बन जाएगी। तो इसको साथ साथ मैं अभी इसको बंद ही कर रहा हूँ, ताकि पहले हम आलू शालू छील लें, काट लें, फिर उसके बाद जो है ना इसको देखते हैं। पहले आलू वाला काम करते हैं। तो यार आलू भी हमारे आ गए हैं, कटर भी हमारा आ गया है, छुरी भी आ गई है और ये इससे चिप्स बनाने वाली भी मशीन भी हमारे पास छोटी सी आ गई है और ये हमारा एयर फ्रायर पड़ा हुआ है। पहले मैं आलू छील लूँ फिर आपको साथ साथ दिखाता हूँ। यार सबसे पहले हम आलू छीलते हैं, छीलने के बाद जो है फिर आगे का आपको दिखाता रहता हूँ मैं साथ साथ। तो यार आलू हमने छील के ना इसकी छोटी छोटी कटिंग कर ली है, अब हम इसको रखेंगे मशीन में जो इसको कट कर देगी चिप्स के साइज का। तो यहाँ पे शीशे वाला टेबल है, इस पर जोर जोर से ज्यादा लगेगा, पहले हम वहां चलते हैं शेल्फ पे रख के इसके चिप्स बनाते हैं, फिर इसको एयर फ्रायर में डालते हैं। आ जाइए। तो यार अब इसको मैं रखूंगा इसके अंदर ऐसे, और जब इसको ऐसे दबाऊंगा तो ये आगे से ऐसे चिप्स बनकर निकल आएंगे। ये देखें, ये सारे मैं करता हूँ ऐसे ताकि हम चिप्स बना लें ऐसे, ये ऐसे। पिछले जमानों में ना जब माएं चिप्स बनाती होती थी तो बहुत मुश्किल काम होता था आलू के वो करके, तब भी ये मशीनें होती थी लेकिन कईयों को पता नहीं होता था, लेकिन अब देखा आपने चिप्स बनाना कितना आसान हो गया है।
ना ऑयल की टेंशन ना कुछ और, ये एयर फ्रायर में रखेंगे ना उसमें ऑयल लगता है ना कुछ और, और ये 15 से 20 मिनट के बाद अपने रेडी हो जाएंगे। ये चिप्स कट गए हैं, पहले इसको हम धो लेते हैं एक दफा फिर, और फिर रखेंगे एयर फ्रायर में। अब पहले इसको हम धोएंगे, धोने के बाद जो है ना फिर एयर फ्रायर में रखते हैं। यार ये इसको हमने सेटअप कर लिया। आपने सबसे पहले एक चीज का ख्याल करना है कि इसके अंदर ये जो आपका बाउल है ना, आपकी आपने इसकी पहले अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है थोड़ी थोड़ी, आया इसके फ्लोर की और इसकी वॉल्स की, हर तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है क्योंकि वो आपको काम आएगा बाद में इसको बनाने में। अब इसमें डालेंगे हम फ्राइज, सबसे पहले वो डालते हैं। ये हमारे डल गए इसमें फ्राइज, और आपको साथ साथ बताता जाऊं कि इसके ऊपर ये सब कुछ मेंशन्ड है कि अगर आपने फ्राइज बनाने हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स इसको रखना है। ये इसका टाइमर है और ये इसका टेम्परेचर है, इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो जो आपने बनाना है, फिश बनानी है तो 180 पे 20 मिनट्स है, उसके बाद ये चिकन पे 180 पे 20 मिनट्स है, स्टेक पे है, फिश दोबारा आ गई। तो अभी हम इसका पहले इसको हम अंदर सेट कर लें, फिर इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। चला गया। अब इसको हमने सेट करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर सेट करेंगे। ये 200 पे आ गया, ये इसका पॉइंटर है, 200 पे आ गया। अब इसको करना है 20 मिनट्स के लिए, ये हमारा टाइमर भी आ गया 20 मिनट्स के लिए। बस अब ये 20 मिनट्स के बाद जो है ये अपना काम दिखाने लग जाएगा। ये देख लीजिए ये ऑन हो गया, ये ऊपर ग्रीन लाइट ये शो कर रहा है कि ये ऑन हो चुका है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये नीचे वाली लाइट जो है वो जल पड़ेगी। तो अभी 20 मिनट्स वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि फ्राइज हमारे कैसे बने हैं। A few moments later. तो जी फाइनली 20 मिनट्स के बाद हमारा जो है ना फ्राइज रेडी हो चुके हैं। ये देखें, पहले हम इसको ना इससे अलग कर लेते हैं। ये देखें जी, मैं आपको थोड़ी सी लाइट मजीद में दिखा देता हूँ। ये देखें फ्राइज अपने रेडी हैं। अब इसको हम निकालेंगे किसी बाउल में, इसमें निकाल देते हैं, गिरना ना भाई। ये जी हमारे एयर फ्रायर पे, इस पर ऑयल के बगैर फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, अच्छा एयर फ्रायर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना वो ये है कि इसमें जैसे आप फ्राइज बनाते हैं आम तौर पर तो कितना ऑयल लगता है आप सबको पता है, इसमें ऑयल जो हमने लगाया है ना वो इसकी वॉल्स पे, इधर इसके इर्द गिर्द और इसके फ्लोर पे सिर्फ थोड़ा सा, मेरे ख्याल में हाफ टेबल स्पून बना होगा और हाफ भी ना हो शायद। यार ये फ्राइज आ गए हैं, इसमें मैंने केचप डाल लिया है, ये साथ कोल्ड ड्रिंक आ गई है और फ्राइज बहुत फट बने हैं। एयर फ्रायर का सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये देखें आप, ये कुछ भी जो है ना बड़े परफेक्टली कुक्ड हैं और इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ हुआ हुआ है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है और हर चीज़। और ये जो हमारा एयर फ्रायर है इससे मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। जो इस पर टाइम लिखा हुआ था, जो प्रोसीजर था, मैंने पहली बार इसको ऑपरेट किया और बिल्कुल वैसे ही सही ऑपरेट हुआ है और बड़े फिट फ्राइज बने हैं। अभी फ्राइज खा रहा हूँ, फ्राइज खा के फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। तो यार चिप्स खाने के बाद अभी टीवी शीवी देख रहा था, लेकिन सामने एक और चीज़ आ गई है, वो है ये अच्छे अच्छे से शामी और एक कप चाय। तो अभी चाय पीने लगा हूँ और आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, भाई को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh,